प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने स्पेन के काउंटर पार्ट पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर गुजरात में सिचुएटेड टाटा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे, जहां पर C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। अब इस सेरेमनी से पहले दोनों नेताओं ने वडोदरा में एयरपोर्ट से टाटा फैसिलिटी तक 2.5 किलोमीटर का रोड शो किया, जो कि इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन यानी कि FAL साइट है, जहां पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। C-295 प्रोग्राम के तहत टोटल 56 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 16 जो एयरक्राफ्ट होंगे वो सीधा स्पेन से एयरबस के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे और बाकी के जो 40 एयरक्राफ्ट होंगे वो टाटा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के तहत कैंप्स में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑफिस से जारी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके अनुसार ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये पूरे के पूरे इको सिस्टम के डिवेलप में शामिल होगा, जिसमें एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन से लेकर असेंबली, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जैसे सारी की सारी प्रोसेस को शामिल तो करता ही है और साथ में इसके पूरे के पूरे मेंटेनेंस तक शामिल है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही खास दिन बताया है। उन्होंने ये कहा कि जो ये C-295 प्रोजेक्ट होने वाला है वो इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि ये अपनी तरह की पहला प्रोजेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट का जो निर्माण होने वाला है वो इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के ग्रोइंग एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। इसमें जो राजनाथ सिंह हैं जो कि इनॉग्रेशन में यानी कि उद्घाटन में शामिल भी होंगे, उन्होंने एक्स पर ये जानकारी शेयर की कि पीएम मोदी अक्टूबर 2022 में वडोदरा में C-295 FAL प्लांट की नींव की थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2021 में 56 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के SA इसके साथ 21,935 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब हम बात कर लेते हैं C-295 एयरक्राफ्ट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब यहाँ पर C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी कैपेसिटी 5 से 10 टन है, जो इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो 748 फ्लीट की जगह लेगा। ये जो क्राफ्ट है वो 71 सोल्जर्स और 50 पैराट्रूप्स के टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए जरूरी है। वहां पर जो लार्ज एयरक्राफ्ट्स होते हैं या फिर जो भारी एयरक्राफ्ट्स होते हैं वो वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। C-295 जो है इसको मजबूत और विश्वसनीय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सारी की सारी वेदर कंडीशन में मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए केपेबल है और इसकी सारी उड़ान सहन शक्ति 11 घंटे तक है। इस विमान में एक रियर रैंप डोर है जो कि क्विक रिस्पांस और सैनिकों और कार्गो के पैराशूट डिप्लॉयमेंट के लिए उपयोगी है और ये शॉर्ट टेक ऑफ्स और ये सेमी प्रिपेयर्ड सरफेस से छोटी उड़ान भरने के लिए और लैंडिंग करने में भी केपेबल है। समझौते के तहत सारे के सारे जो 56 विमान है उनको इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट जो की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय डायनेमिक लिमिटेड के अंडर एक एग्रीमेंट है स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस है। जो C-295 एयरक्राफ्ट है वो अपनी वर्सेटैलिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो इसके कुछ की फीचर्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे कि इसकी पेलोड कैपेसिटी, ये 9 टन तक का पेलोड ले जा सकता है और 71 सैनिकों को और 50 पैराट्रूपर्स को लेकर जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम क्रूज स्पीड 260 नॉट्स है। ये एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटों तक हवा में रह सकता है जो इसे लंबे टाइम तक मिशंस के लिए सूटेबल बनाता है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये बिना पक्की मुलायम और रेतीली घास वाली हवाई पट्टियों पर भी शॉर्ट टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग करने में भी केपेबल है। ये क्विक रिस्पांस और पैराशूट के द्वारा सैनिकों और कार्गो को उतारने में केपेबल है। इसे अलग अलग रोल्स के लिए जैसे कि सैनिकों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, VIP ट्रांसपोर्टेशन के लिए और हवाई अग्निशमन के लिए या फिर हवा में जो फायर फाइटिंग होती है उसके लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये ऑल वेदर ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है, मतलब ये जो एयरक्राफ्ट है ये हर वेदर कंडीशन में ऑपरेट किया जा सकता है। ये मॉडर्न एवियोनिक्स और सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स जैसे कि रडार वार्निंग, मिसाइल वार्निंग और लेजर वार्निंग सिस्टम्स, इन सारे सिस्टम से लैस है। इसमें 2 प्रैट और व्हिटनी कैनेडा PW127G टर्बोप्रॉप इंजन लगे हुए हैं जो एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी और
और हॉट एंड हाई कंडीशन में भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है ये दुश्मनों के एनवायरमेंट में अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एडवांस्ड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस किया गया है। अगर मैं इनके ऊपर बात करूं तो जैसे कि कॉकपिट आर्मर, इसमें क्रू को छोटे हथियारों की गोलियों और शार्पनेल से दूसरी प्रोटेक्शन प्रदान करता है। चेफ और फ्लेयर डिस्पेंसर यानी कि रडार गाइडेड और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स, यानी कि इनको झूठे जो टारगेट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। रडार वार्निंग रिसीवर यानी कि RWR, ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम से आने वाले रडार सिग्नल्स का पता लगाता है और क्रू को सतर्क कर देता है। मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये आने वाले मिसाइलों के खतरों की पहचान करता है और टाइम पर चेतावनी देकर सही कदम उठाने में मदद करता है। लेजर वार्निंग सिस्टम, ये लेजर गाइडेड वेपन्स और लेजर फाइंडर्स के एमिशंस का पता लगाता है जिससे जो क्रू होता है उसको आने वाले खतरों से चेतावनी मिलती है। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं आपके डाउट्स को वीडियोस बनाकर क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।